हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आप लोगों के लिए मैं हैंडबॉल कोर्ट मार्किंग प्लान के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग देखते रहिए और देखने के बाद वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना, और उसके बाद आप लोग सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आगे जाके आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ज़रूर। हैंडबॉल कोर्ट मार्किंग प्लान की उसका कैलकुलेशन देख लीजिए। तो फर्स्ट टाइम हम लोग कोर्ट को सेट करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले एक कोट मार्किंग करना पड़ेगा। कोट मार्किंग करने के लिए एंड लाइन कितना होगा, 20 मीटर, दोनों तरफ से सेम होगा, और 20 मीटर 20 मीटर, और उसके बाद साइड लाइन खींचना पड़ेगा। साइड लाइन कितना होगा, 40 मीटर, तो साइड लाइन भी सेम, दोनों तरफ से सेम होगा, 40 मीटर 40 मीटर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग दो कोट बनाने के लिए मिडिल से डिवाइडेड करना है, क्या है 40 मीटर का 20 मीटर 20 मीटर करके मिडिल लाइन खींचना है। खींचने के बाद हम लोग डी टू मिडिल कॉर्नर और मिडिल कॉर्नर टू सी तक खींचना पड़ेगा लाइन, और इसका होगा 28.28 मीटर। सेम दूसरी तरफ भी 20, तो सेम होगी। उसके बाद हम लोग मेन कोर्ट बनाने जा रहा हूँ टोटली। तो फर्स्ट टाइम हम लोग साइड लाइन खींचना पड़ेगा, उसके बाद एंड लाइन। एंड लाइन और साइड लाइन कितने कितना पहले बोल दिया, उसके बाद फिर से मैं बोल रहा हूँ। साइड लाइन होगा 40 मीटर और एंड लाइन होगा 20 मीटर, ओके। उसके बाद हम लोग 40 मीटर साइड लाइन लिया था, उसका मिडिल से दो कोट होगा, बीच में से लाइक लाइन खींचना पड़ेगा 20 मीटर 20 मीटर। डिवाइडेड करने के बाद टू कोट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फर्स्ट में हम लोग गोल पोस्ट का लाइन से 6 मीटर तक एक मिडिल से एक लाइन खींचना है स्ट्रेट 3 मीटर का सेम। उसके बाद 9 मीटर का एक फॉलो थ्रो लाइन भी सेम 9 मीटर तक खींचना है गोल लाइन से, गोल पोस्ट का लाइन से सेम। खींचने के बाद हम लोग इसको पकड़ के लाइन खींच देना, उसके बाद सेम दूसरे साइड भी सेम सेम ही होगा, दोनों तरफ से सेम ही होगा। हम लोग ज्वाइन करना पड़ेगा साइड लाइन टू 9 मीटर तक। उसके बाद हम लोग गोल पोस्ट का हाइट कितना होगा, ब्रेथ कितना होगा, गोल पोस्ट का हाइट होगा 2 मीटर और 3 मीटर ब्रेथ होगा। उसके बाद हम लोग 3 मीटर और 9 मीटर का जो लाइन सामने वाला लाइन होगा 3 मीटर 3 मीटर तक होगा सेम, दूसरे साइड भी सेम ही होगा। उसके बाद हम लोग गोल पोस्ट कर लाइन से डी बॉक्स के अंदर 4 मीटर तक आने के 4 मीटर तक एक छोटा सा लाइन होगा 15 सेंटीमीटर का, और एक होगा 7 मीटर तक छोटा सा एक लाइन होगा 1 मीटर का सेम, दूसरे साइड भी सेम ही होगा। उसके बाद जो 9 मीटर का जो लोबी होगा लाइन होगा वो थ्रोइंग लाइन होगा, फ्री थ्रोइंग लाइन। उसके बाद हम लोग
तो पहले भी बोल दिया था साइड लेंथ कितना है और एंड लेंथ कितना है। तो साइड लेंथ तो कितना है 40 मीटर हो जाएगा और एंड लाइन होगा 20 मीटर। तो पहले भी बोल दिया, अभी फिर से बोल रहा हूँ। उसके बाद हम लोग सब्स्टिट्यूट और टाइमिंग कीपर और स्कोरर कहाँ पे बैठना है उसी के लिए बोल रहा हूँ। तो साइड लाइन्स के बाहर 3 कोट होगा, दोनों तरफ से 2 सब्स्टिट्यूट टेबल रहेगा और मिडल में टाइम कीपर और स्कोरर बैठेगा। तो इसके लिए हम लोग मिडल लाइन से दोनों तरफ से 4.5 मीटर दोनों तरफ से लेना पड़ेगा। उसके बाद ठीक बीच में टाइम कीपर और स्कोरर कट होगा उस बॉक्स। उसके बाद दोनों साइड से दोनों तरफ से सेम होगा सब्स्टिट्यूट बॉक्स, सेम दोनों टेबल, इधर भी एक इधर भी एक दोनों टीम के लिए। तो आज के लिए इतना ही है, तो आप लोग ठीक से देखते रहिए और देखने के बाद अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि आगे जाके और भी नोटिफिकेशन मिले। तो आज के लिए इतना ही है।